लाइक हमारे साथ हो गया टैक्सी स्कैम, सारे पैसे जो है वो इस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक नई ट्रैवल सीरीज़। एक नए देश में, नए शहर में जा रहे हैं और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके व्लॉग्स बनाएंगे और वो आपके साथ भी उसको शेयर करेंगे। और ये वाले व्लॉग्स इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पे उस कंट्री के हवाले से कॉन्टेंट मौजूद है उससे थोड़ा सा हट के उसको बनाया जाए। तो वो सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप उन सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप काइंडली उनको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। इमिग्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस हो चुका है और इस व्लॉग में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो चीपर फ्लाइट्स हैं वो ले सकते हैं, वो कैसे बुक कर सकते हैं और कैसे हम बजट लो कास्ट जो ट्रैवलिंग है वो कर सकते हैं, कैसे हम सस्ते होटल्स ढूंढ सकते हैं और कैसे हम इस सारे ट्रैवल को पॉसिबल बनाते हैं। जो कंट्री जहां हम जा रहे हैं वो है अज़रबैजान, आपने टाइटल से देख लिया होगा, और उसका कैपिटल सिटी है बाकू, वहाँ जा रहे हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हम साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएंगे और साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी आपकी तरफ से और काफ़ी मोटिवेशन होगी मेरे लिए टू मेक सम गुड कॉन्टेंट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और जा रहे हैं हम प्लेन के अंदर। जी व्यूअर्स, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल खाली है, कोई फ्लाइट्स वगैरह नहीं थी। बहुत इजी प्रोसेस था इमिग्रेशन का, बिल्कुल हार्डली 2 मिनट लगे। अभी यहाँ से करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवाई है। यहाँ से सिटी जाने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो बोल टैक्सी है। अभी वो टैक्सी हमने मंगवाई है क्योंकि अभी तक हमारे पास सिम वगैरह नहीं है, तो जो एयरपोर्ट का वाईफाई था उसी को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन यूज़ की है। अभी देखते हैं बाहर जाके वो एप्लीकेशन काम करती है नहीं करती, और जैसे टैक्सी वगैरह मिलती है तो फिर बाकी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं फिर आपके साथ। अभी हम यहाँ आए नाश्ता करने के लिए डेरा रेस्टोरेंट के ऊपर। ये हमने इंटरनेट पे देखा था गूगल पे कि यहाँ कोई पाकिस्तानी नाश्ते की ऑप्शन हो, जैसे अंडा पराठा कुछ इस तरह की ऑप्शन हो। एग में है अभी ऑप्शन, लाइक फ्राई एग कितने में यहाँ। हम यहाँ आए, इनकी सेटिंग वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत है।
लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल खाली है। मे बी चूँकि इस वक्त नाश्ते का टाइम नहीं है, शायद इसलिए हम ना ही लंच का टाइम है ना नाश्ते का टाइम है। और दूसरी बात यह कि एयरपोर्ट तक आपने व्लॉग देखा होगा, और एयरपोर्ट के बाद एक तो पहली बात यह थी कि नाइट थी, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, तो कुछ वीडियो वगैरह बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और दूसरा कि दो ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिसकी वजह से व्लॉग तो बिल्कुल ही बनाने का ख्याल ही नहीं आया जहन में। आते ही सबसे पहले स्कैम हो गया, वही बड़ा फेमस टैक्सी स्कैम है, वो मैं अभी नाश्ते के बाद फिर आपसे शेयर करता हूँ कि वो क्या हुआ और हमें क्या करना चाहिए था, हमने कहाँ गलती की। और एक और चीज़ थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अभी जैसे ही ऑर्डर आता है देखते हैं कि इनकी क्वालिटी या टेस्ट कैसा है। रिव्यू वगैरह तो इनके अच्छे थे गूगल पे, हमने कुछ ज़्यादा ऑप्शंस तो मंगवाए नहीं है, सिर्फ जो हम जिस नाश्ते की तलाश में थे अंडा पराठा, तो वो ही हमने ऑर्डर किया है। नाश्ता आ गया हमारा और बहुत ही सिंपल सा है, पराठा और अंडा। इस वक्त वैसे तो लंच का टाइम है, तुम्हारा लंच नाश्ता ये इकट्ठा ही हो रहा है, तो अभी करते हैं हम फटाफट से नाश्ता। देखने में तो ठीक लग रहा है, जैसा सिंपल हो सकता है वैसे ही है, इसमें हम क्या रिव्यू दे सकते हैं। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर अपने अभी होटल की तरफ चलना है, तो अभी फिर नाश्ते के बाद चलते हैं बाकी दूसरी एक्टिविटीज की तरफ। जी तो मैं बात कर रहा था, जो फर्स्ट इम्प्रेशन था हमारा यहाँ बाकू में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए कि आते ही हमारे साथ स्कैम हो गया। टैक्सी स्कैम बहुत ही फेमस है, चूँकि मैं ये सुन के आया था, ये पढ़ के आए थे गूगल से कि एयरपोर्ट से आपको शहर में आने के लिए जो बोल टैक्सी है वो सबसे इकोनॉमिकल रहती है, वो सबसे ईजीली अवेलेबल है और बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर आप शहर में आ जाते हैं। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे और मैंने फिर वो बोल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल की, और उसमें मैंने जब राइड मंगवाई तो वो आ रही थी लाइक 6 मनात, ये बनते हैं तकरीबन 12 या 13 सऊदी रियाल्स। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि ये तो काफ़ी मुनासिब कीमत है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी तकरीबन ये 1000 रुपीज़ के करीब करीब बन जाते हैं। तो हालांकि यहाँ से डिस्टेंस तकरीबन 23-25 किलोमीटर है शहर से एयरपोर्ट का। तो राइड बुक कर ली, राइड में हम उसमें टैक्सी में बैठ गए। जब शहर में पहुंचे उस वक्त सुबह का टाइम था, लाइक मेरी हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात को लैंड हो रही थी, सुबह 5 बजे हम शहर में पहुंचे जहां पे हमारा होटल था उसके करीब। तो टैक्सी वाले ने कहा जी कि ये आपके टोटल पैसे बन गए 50 मनात। आई वॉज रियली शॉक्ड और सरप्राइज कि ये कैसे 50 मनात बन गए। 50 मनात बनते हैं तकरीबन 110 रियाल, ठीक है, वो बनते हैं तकरीबन 8000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब उसने क्या किया ऐसा कि उसने शायद मेरा जो जेन काम करता है कि उसने जो टैक्सी यानी उसकी गाड़ी का जो मोड था, लाइक होता है इसमें इकोनॉमी, उसमें कंफर्ट और बिजनेस, उसने कोई वो मोड अपग्रेड किया या चेंज किया, तो एप्लीकेशन के ऊपर भी जो पैसे हैं वो उतने ही आने लगे। जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, जितने भी इवन वहाँ दो बोल्ट के अलावा टैक्सी वाले थे, वो भी बोल रहे थे कि 20 मनात 25 मनात वो मांग रहे थे, अगर बार्गेन करते तो वो 20-15-20 में हमें ले आते। लेकिन हम चूँकि सस्ते हैं कि चक्कर में बोल्ट के ऊपर ही हमने रिलाई किया और उसके ऊपर बैठे। लेकिन तकरीबन 1 घंटा हमने उसके साथ आर्गूमेंट किया, 1 घंटा हमने उसके साथ बहस की, लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग नए हैं, टूरिस्ट हैं यहाँ पे, और सुबह का टाइम है, रात के जाके में इनको फौरी तौर पे होटल में जाना है, और इस वक्त ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने उसे ये भी कहा कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ या किसी और को कॉल करता हूँ मैं हेल्प के लिए। लाइक उस टाइम पे तो कोई ज़्यादा लोग दाएं बाएं थे भी नहीं, मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर सका क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा था और लाइट वगैरह भी नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत उससे आर्गूमेंट किया, लेकिन वो नहीं माना। यानी एक किस्म की मेरी उससे तल्ख कलामी भी हुई, लड़ाई भी होने वाली थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है आप नए शहर में आप किसी से लड़ तो नहीं सकते। तो इन शॉर्ट ये कि उसको मुझे 50 मिनट ही देने पड़े, जो कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारा बहुत ही ख़राब हो गया और आते ही स्कैम हो गया।
इसमें यही है कि बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा, एप्लीकेशन को ज़रा समझना पड़ेगा कि कहाँ लूप होल्स हैं। और अब मुझे ये नहीं पता कि मैं बोल्ट वालों से रब्ता करूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करूँ, तो उसका कोई कंपनसेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ये जी आज़रबाईजान का फ्लैग है और ये आपको यहाँ बाकू में हर बिल्डिंग के ऊपर मिलेगा। और इस फ्लैग को देख के पाकिस्तान में भी एक सियासी स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसका झंडा तकरीबन ऐसा है। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका फ्लैग इससे मिलता जुलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और सुबह तकरीबन 4-5 बजे हम लैंड कर गए थे और अभी तक हम होटल चेक इन नहीं कर सके। इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वो मैं आपको होटल पहुंचता हूं और वहां चेक इन के बाद आपको आपके साथ वो भी मैं शेयर करता हूं। आई आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर अर्ली चेक इन बिकॉज आई कम इन द मॉर्निंग बट आई रिसीव मैसेज दैट we already have a booking. What, your room 10 minutes? No. In 10 minutes? Yeah, 10 minutes. But you told me that 2 o'clock. Yes, yeah, I see. Please, you sit down lobby in our room, okay? Okay. Maximum 10 minutes, your room is ready. ये जी रूम की एंट्रेंस और इसके साथ ही है ये छोटा सा बाथरूम, काफ़ी छोटा है चले खैर। और एक ये साथ में कबर्ड आ गई और ये आगे है बेडरूम। इस तरफ ये एक चेयर और टेबल है और कुछ चाय का पानी का सामान है और ये सारा बेडरूम है। अच्छा है, साफ सुथरा है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके साथ है ये बड़ी ख़ूबसूरत किस्म की बालकनी और ये इसके बाहर का व्यू। वाओ, ये आप नीचे देख सकते हैं निज़ामी स्ट्रीट। सारे पैसे जो हैं वो इस व्यू के हैं जी, और व्यू के ऊपर अगर ये ऐसा मौसम है तो क्या ही बात है। फाइनली जी कोई बाकू में कोई चीज़ जो हमें बहुत पसंद आई है वो है यहाँ का मौसम, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं रियाद सऊदी अरेबिया से, वहाँ अभी इस वक्त सर्दियाँ शुरू नहीं हुई। काफ़ी ठीक है, शाम सुबह में काफ़ी अच्छा मौसम रहता है लेकिन दिन के टाइम पे काफ़ी गर्मी रहती है। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बाकू में इस वक्त कैसा होगा मौसम, बहुत सर्दी होगी बहुत ज़्यादा या क्या होगा सीन। लेकिन आज का जो वेदर है यहाँ वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है। बाहर जाके आपको दिखाता हूँ, ये वेदर देखें ज़रा क्या बात है। बहुत हल्की हल्की हवा है यहाँ पे, अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो तो फिर वाकई में सर्दी ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त तकरीबन कोई 17-18 डिग्री के पास टेम्परेचर है। इस तरफ से तो काफ़ी काले काले बादल भी आ रहे हैं, पता नहीं बारिश का भी सीन हो सकता है या नहीं। और ये आप देखेंगे तो नीचे है सारी निज़ामी स्ट्रीट।
जी व्यूअर्स, अभी हम बात कर लेते हैं उस इंसिडेंट के ऊपर जो हुआ हमारे साथ। वो ये था कि हमने होटल बुक किया हुआ था आज की डे से, लेकिन चूंकि हम अर्ली पहुंच रहे थे तो हमने उनसे अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट की, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है इट्स फाइन कि आप अर्ली आते हैं तो आप अर्ली चेक इन कर सकते हैं। लेकिन कल जब एयरपोर्ट के ऊपर हम बैठे हुए थे तो मुझे मैसेज आया, मैंने देखा वो इसी होटल की तरफ से मैसेज था कि भाई अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बुकिंग फुल है, बहुत सारे यानी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है तो हम आपको अर्ली चेक इन नहीं दे सकते। अब ये हो गया एक और मसला, लाइक 2 बजे यहाँ चेक इन का टाइम है तो 5 बजे सुबह से लेके 2 बजे तक इतना टाइम बनता है, और आपने रात को भी सफ़र किया हो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए मैंने देखी ऑनलाइन ऑप्शन फौरी तौर पे कि कौन कौन सी अवेलेबल हैं, बहुत सारी जो ऑप्शन थी वो लाइक मैं ये चाह रहा था कि जो मेरा होटल है उसके करीब ही कोई ऑप्शन मुझे मिल जाए। तो फिर अर्ली मॉर्निंग एक ही ऑप्शन मुझे मिली, वो था ट्रैवल इन हॉस्टल, उसकी मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हुए हैं। तो वो एक हॉस्टल में मैंने उसको बुक किया, वो बंक बेड थे उसमें, एक रूम के अंदर 10 बेड लगे हुए थे। तो खैर उसमें थोड़ा टाइम ज़रा जो थोड़ी बहुत नींद थी वो पूरी की, और उसके बाद फिर हम आ गए होटल में। हॉस्टल बहुत अच्छा था और उसमें सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी अवेलेबल थी, जैसे लगेज स्टोरेज, सिटिंग एरिया, लॉबी, और इसी तरह किचन और लॉन्ड्री वगैरह, और ख़ास तौर पर किचन में सारी फैसिलिटीज़ थी। अगर आप खाना वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप खाना भी बना सकते हैं यहाँ, और फ्रिज, ओवन वगैरह जो बेसिक चीज़ें किचन में रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल थी। चूंकि मैंने ज़िक्र भी किया था आपसे कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हम बजट ट्रैवल कर सकते हैं, सस्ता टूर बुक कर सकते हैं, सस्ते में हम एयरलाइंस बुक कर सकते हैं, सस्ते में होटल बुक कर सकते हैं, वो तो अभी किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अब सस्ता तो इतना नहीं रहा। लेकिन खैर आगे अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, और जो स्कैम की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की उससे काफ़ी कुछ हमने सीखा, और आई होप उस मेरे इस इंसिडेंट से आप लोग भी सीखेंगे और कॉन्शियस रहेंगे, हम भी कॉन्शियस रहेंगे अगले आने वाले दिनों में। आई होप ये आपको इस खूबसूरत व्यू और खूबसूरत मौसम की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बड़ी जो रेशो है लोगों की वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इवन दो के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है भी नहीं अभी। तो आई नीड योर सपोर्ट, तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी हम सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आएंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।